This conference will now be recorded. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. आपने एक क्वेश्चन ये किया है कि जो 90% से ज्यादा का होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ये आपका सवाल है ना? हमारा जो इनपुट है, एक्सेप्शंस हैं इसकी कि किन किन हालात के अंदर आप सारे का सारा इनपुट क्लेम करेंगे, वहां पर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी, ठीक है? यानी जो भी है आप माइनस कर लें। आपने फर्ज करें किसी शख्स से 1000 रुपया लेना है, वो कहता है मेरे से 900 रुपया ले लो, तो बाकी जो 100 है ना वो अगले महीने में मेरे से ले लेना। अगले महीने आप फिर काम करते हो तो अगले महीने में आपने उससे 1500 रुपया लेना है, ठीक है? टोटल कितने पैसे उससे लेने हैं आपने? 1600 रुपया। 100 रुपया आप कहेंगे पिछले महीने का और 1500 रुपये इस महीने का, करेंगे ना? क्यों रहम, समझ आ रही है आपको? जी सर, समझो। हेलो, देखे ना, ये है अगस्त का महीना, मैं अज्यूम करता हूँ। आपने किसी साहब का जुलाई में काम किया, आपने उसे 1000 रुपया लेना था, उसने कहा 900 रुपया ले लो, तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा यार मेरा जो 100 है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया, यही कहेंगे ना? इस महीने आपने 1500 रुपया उसे लेना है, तो आप कहेंगे यार इसमें ऐड करो ब्रॉड फॉरवर्ड, मैंने आपसे 100 वो भी तो लेना ना पिछले महीने का, टोटल कितना लेना है? 1600। वो कहता है यार एक काम करो इस महीने मेरे से आप 1400 रुपया ले लो, ठीक है? वो आपको पे करता है 1400 रुपया, तो आप कहेंगे अच्छा 200 मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया, ऐसे ही है ना? सितंबर में जाके आप काम करते हो उसका 2000 रुपये का, आप कहेंगे जी ब्रॉड फॉरवर्ड जो है वो मेरा 2000, टोटल मैंने आपसे 2200 रुपया लेना। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका जो आउटपुट है किसी एक महीने का, लेट्स सपोज इसी को हम कंटिन्यू करें, कि अगर जुलाई के महीने में आपका आउटपुट जो था वो 1000 का था और आपका जो इनपुट है वो 1500 रुपये का था, तो लॉ कहता है कि आप इसके 90% से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे और 90% ऑफ आउटपुट, तो वो हो गया 900, तो आपने 900 माइनस किया तो आपने डिपार्टमेंट को कितना पे करना है? 100। अब आ जाए अगस्त में, अगस्त का आउटपुट जो है वो फॉर एग्जांपल आपका है 1500 रुपया और आपका अगस्त का इनपुट जो है वो फर्ज करें आपका है 1400 रुपया, तो आप इसमें ऐड करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड आपको कितना था? 600, यानी दोनों का डिफरेंस, यानी आपने क्लेम 1500 करना था 900 किया, तब 600 रुपये ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, तो वो इसमें आप ऐड करेंगे, टोटल कितना हो गया? 2000 और 90% ऑफ आउटपुट, तो 1500 का 90% आपने लिया तो 1350 आ गया, तो आप लिखेंगे 1350, ठीक है? तो आप 150 पे करेंगे डिपार्टमेंट को, तो कैरी फॉरवर्ड कितना होगा आपका? 650। इसी तरह सितंबर में चले जाएं, सितंबर का जो आउटपुट है आपका लेट्स सपोज के 1000 है, इस महीने का इनपुट जो है वो आपका 500 है, आप इसमें ऐड करेंगे फर्ज करें 200 इस महीने का, ऐसे कर लेते हैं, और इसमें आप ऐड करेंगे 650, 850 और 90% ऑफ आउटपुट 900। अब यहाँ पर 90% की रिस्ट्रिक्शन लगी ही नहीं, तो आप अपना ओरिजिनल ही क्लेम करेंगे, तो आपका 150 जो है ये आप टैक्स पे कर देंगे। ये मैंने आपको बात समझाई थी।
सर क्लियर हो गई इसमें ना? जैसे फर्स्ट इसमें जो कैरी करते हैं सर, अगर हर साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हमें कैसे मिलेगा? इसके अंदर एक असूल यह है कि आपने जो चीजें खरीदी हैं वो कभी ना कभी तो बेचेंगे ना, और आप में आपका उसमें मार्जिन जो है वो कम से कम 10% होगा। यानी इसमें एक अजम्पशन ली जाती है कि जो आपने चीज खरीदी है वो आपने कम से कम 10% मार्जिन के ऊपर बेची है, तो आप आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो चीज तो बेचेंगे ना, तो आप उसको क्लेम कर लेंगे। हाँ, अब आप कहते हैं नहीं जी मेरा मार्जिन कम था या मुझे लॉस हो गया, कोरोना की वजह से मेरा नुकसान हो गया है, तो लॉ ने एक ऑप्शन दी है कि आप 1 साल इंतजार करें, जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाए पूरा साल, तो एक समरी बना के डिपार्टमेंट को सबमिट करवा दें और अपना ये रिफंड ले लें आप। कंपनी के लिए क्या असूल है कि कंपनी के लिए कंपनी भी यही करेगी, लेकिन वो अपनी पहले जो स्टेटमेंट है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाएगी। इंडिविजुअल और एओपी वैसे ही क्लेम करेंगे, लेकिन कंपनी ऑडिट करवाने के बाद ये करेगी, ये असूल है इसका। पहली बात ये है कि ठीक है कैरी सर, फॉरवर्ड कर रहे हैं, कब तक कैरी फॉरवर्ड करें, सारी उम्र करते रहें कोई मसला नहीं है, सारी उम्र करते रहें कोई मसला नहीं है, लेकिन साल के बाद आपके पास ऑप्शन होगी इंडिविजुअल और एओपी अपना इसको क्लेम कर लें, और कंपनी भी क्लेम करे, लेकिन कंपनी के लिए एक और स्टेप होगा कि वो पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको अटेस्ट करवाए और फिर वो ले ले इसको। जी, कोई और क्वेश्चन? सर ये जो आपने एक्सेप्शन बताई थी एक्सपोर्ट या 0 रेट पे और दूसरी कमर्शियल 3%, सर ये इसी की एक्सेप्शन है? जी, काम कर दी थी। सर ये एक्सेप्शन का पूछ रहा था मैं। सर आपकी आवाज कट रही है। मेरी अब आवाज ठीक आ रही है आपको? हेलो, जी सर अब क्लियर है। अच्छा जी, कोई और सर इसके मैं अलावा ये क्वेश्चन हो? सर ये एक्सेप्शन में पूछ रहा था जो आपने कोई बताई क्वेश्चन थी नहीं? एक्सपोर्ट या 0 रेट और दूसरा आपने बताया था कमर्शियल 3%, सर ये वो इसी की 90% वाली इसकी यानी आपने थर्ड एक्सेप्शन शेड्यूल बताई। जो है, जो थर्ड शेड्यूल वाले जो थर्ड शेड्यूल में डील करते हैं, चाय बेचते हैं, जो पानी बेचते हैं, बिस्किट बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं, ठीक है, जितनी थर्ड शेड्यूल की आइटम्स हैं उन लोगों के लिए ये रूल नहीं है। वो सारे का सारा, यानी अगर आप थर्ड शेड्यूल में टी में डील कर रहे हैं और आपका जो आउटपुट है वो 1000 है और आपका जो इनपुट है वो फर्ज करें 990 है, तो आप 990 सारा ही माइनस करेंगे, आप सिर्फ 10 रुपये देंगे, आपके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। ये मैंने कहा था, कुछ ऐसी सर क्वेश्चन अभी सर्कमस्टांसेस सेंड हैं करवा जहां, दिए आपने? नहीं अभी करवाना, मैंने अभी अगर हम सेटिस्फाई हो जाए फिर मैं आगे चलूंगा। जी, ये बात समझ आ गई आपको? जी सर ओके। चलें चलें, क्वेश्चन नंबर 10 किया बेटा आप लोगों ने? सर ये कोशिश की थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह करें, मतलब अलग बेटा तरीके से मैंने हर मैंने कहा पार्ट था आपने को। करना है, मैंने सोने कहा था, मैंने ये नहीं कहा ठीक किया, मैंने मेरा मेरा मैंने कभी नहीं आपसे पूछा सवाल ठीक किया, मैंने आज तक कभी आपसे ये सवाल किया ठीक किया, मैं कह रहा हूँ ये सवाल किया आपने।
जी सर, सर कोशिश कंप्लीट कर लिया। बेटा बस यही मेरा सवाल होता है कि जो शख्स कोशिश करता है ना उसको इनाम मिलता है। बस मेरा ये सवाल होता है, आपने किया है ना? अब देखें मैं कैसे करता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स ठीक है माइनस इनपुट टैक्स, यही फॉर्मूला है ना हमारा। अब चलें, कहता जी मिस्टर अमीर है सोल्ड फर्नीचर वर्थ रुपीज 150, उसने 150 का फर्नीचर बेच दिया, तो आपका आउटपुट हुआ ना ये, तो आप लिखेंगे सेल ऑफ फर्नीचर रुपीज 150,000 एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर टू मैन्युफैक्चर दिस फर्नीचर, लकड़ी 50,000 की, पॉलिश 10,000 की, गिलू 5,000 का, नेल 3,000 के, इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज 12,000 रुपये का। ठीक, चलें ये लिख लेते हैं। यहाँ पर इनपुट में क्या है उसकी? वुड 50,000 की, और क्या था गिलू? अमाउंट बेटा लिखवाते जाइएगा, गिलू कितना था? सर मेरा वो मिल ही रहा पेज, आप किसी और से पूछ लें। किसी और से पूछ लें। गिलू था मिल गया सर, मिल गया सर, मिल गया। 5 का और पॉलिसी 10 की। हाँ जी, गिलू कितने का था? 3,000 रुपये का, कि 5 का था? सर 5,000 का। 5,000, पॉलिश 10,000, नेल 3,000 और इलेक्ट्रिसिटी 12,000। ठीक हो गया। कहता जी एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ही हैज ऑल्सो परचेज टी बैग्स, उसने टी बैग परचेज किए। ये लफ्ज जरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप थर्ड शेड्यूल की आइटम परचेज करेंगे और सेल करेंगे तो आपकी सेल और परचेज दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये हमेशा एग्जाम में आपने याद रखना है कि मैं थर्ड शेड्यूल रिटेल गुड्स को परचेज कर रहा हूँ या मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है उसका रॉ मटेरियल क्लेम करेगा। फॉर रीसेल एट अ प्राइस ऑफ 8,000 वेयर एज इट्स लिस्टेड प्राइस इज 10,000, उसकी प्राइस कितनी है? 10,000। तो जो लोग रिटेल गुड्स में डील करते हैं उनकी सेल और परचेज क्या होती है? सेम होती है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सेल ऑफ टी बैग दस हजार और यहां लिखेंगे परचेज ऑफ टी बैग्स 10,000। तो थर्ड शेड्यूल की डील भी हो गई। उसके बाद वो कहता जी हैज एक्सपोर्टेड प्लास्टिक चेयर 150 एंड दीज चेयर्स वर परचेज बाय हिम एट 77,000, 77,000 रुपये किसको की थी? तो हम यहाँ का लिखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ फर्नीचर, एक्सपोर्ट ऑफ चेयर्स 150,000। अब जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं हम। सेल ऑफ फर्नीचर कितना आ गया जी? 17%। टी बैग 17%, फर्नीचर एक्सपोर्ट किया 0%। वैल्यूज बताइएगा। 25,500, 25,500 रुपया, 1,700 रुपया निल, और ये हो गया 27,200 रुपया। ठीक हो गया जी। अब जरा इसके इनपुट की बात करते हैं कि हमारे पास इनपुट कितना है। इनटू 17%, इनटू 17%,
अभी मैं यहाँ 90% का रूल नहीं ले रहा, लेकिन सिर्फ मल्टीपल गुड्स को डील करना सिखा रहा हूँ आपको। तो इसका आ गया 8,500 रुपया, इसका आ गया 850 850, इसका 1,700 रुपया, तो इसका फाइव 510 टेन जी, और 12,000 × 0.17 204 2040, और 1,700 रुपया। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगनी थी, इसने तो वैसे ही पूरे का पूरा अंदर आ जाना था, लेकिन फिलहाल मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। टोटल कितना हो गया जी आपके पास, 1700 प्लस 510, 1700 15,300 15,300, तो 15,300 रुपये आ गया। ग्यारह हजार 11,900 रुपया ये आ गई मेरी टैक्स लाइबिलिटी। और जब आपके क्वेश्चन में जीरो रेटेड गुड्स होंगी तो उनका जो टैक्स होगा वो रिफंड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सेल्स टैक्स रिफंडेबल 77,000 × 17%। वन तो 13090 ये हमारा रिफंडेबल है। अब जैसे ही आप कहेंगे ये मेरा पेएबल है और ये मेरा रिफंडेबल है, फौरन जेहन में क्वेश्चन आता है क्या हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। अब देखिएगा आप इसको क्या करेंगे, जब रिटर्न फाइल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कि हम जुलाई की बात कर रहे हैं, तो आप जुलाई का महीना जब खत्म होगा तो आप इसकी 18 तारीख तक, 18 अगस्त तक आपने ये पैसे जमा करवाने हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, या जैसे भी आपने ये सेल्स टैक्स की मद में जमा करवाने हैं। इसी के साथ इसी रिटर्न में आपने लिखा होगा कि मैंने आपसे 13,090 रुपये लेने हैं। तो डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 18 तारीख को ही रिटर्न फाइल की, इसके 45 दिनों के अंदर अंदर डिपार्टमेंट ये आपको रिफंड करने का मजाज है, वो आपको पैसे वापस करेगा। अगर ना करे और आपकी डिले रोक दे तो इस 45 दिनों के बाद जितना वो आपको डिले करेगा वो आपको 13,090 रुपये भी वापस करेगा, प्लस इसके ऊपर सूद किस रेट से, काइबोर प्लस के हिसाब से आपको पेमेंट करेगा। समझ आ गई? जो भी टैक्स रेट होगा उसके मुताबिक आपको पेमेंट की जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल कि आपको 13,090 रुपये ये मिले और 500 रुपये आपको सूद भी मिल गया, तो टोटल डिपार्टमेंट कितने पैसे देगा आपको, 13,590 रुपये। ये जो 500 रुपया है ना, ये आपका इनकम टैक्स में टोटली टैक्सेबल है, इन द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यानी ये जो आपको एडिशनल पैसे मिले हैं ना, ये आप इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करेंगे। ये मुकम्मल बात मैंने आपको समझा दी हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले मेरे से। सर क्वेश्चन है मेरा एक सर क्वेश्चन, जी जी पूछें। सर ये सर ये जब जो उसने ये आपने अभी जो लास्ट टाइम पूछा उसका क्या नाम है? अभी बेटा जो सर पूछ मेरा रहे नाम थे बलीद बारी बारी करके पूछ लो यार। वलीद, 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 नहीं नहीं बेटा उनको नहीं सब, चले वलीद पहले आप पूछो क्वेश्चन, पाक उनको ना वो कंफ्यूजन हो जाती है ना, सामने नहीं बैठे हुए इसलिए। कोई बात नहीं जी, वलीद आप बेटा पूछो सर पहले। उसने जो ये सर उसने जो ये फर्नीचर एक्सपोर्ट किया है, ये सर उसने मैन्युफैक्चर तो नहीं था किया सर, ये तो उसने खरीदा था ना सर, तो इस पे तो उसने कोई टैक्स पे नहीं किया होगा। ये आपको किसने कहा, या आपने कैसे अज्यूम कर लिया? क्या फर्नीचर जो है ये एग्जेम्प्ट है? पहला सवाल ये है, क्या ये एग्जेम्प्ट है?
नहीं सर, ये एग्जाम तो नहीं है सर। दूसरी बात, क्या ये जीरो रेटेड है? सर ये तो वो सेल वाले मोड में आके जीरो रेटेड हुआ है सर, क्योंकि एक्सपोर्ट हो बेटा गया नहीं, था। पहले मेरा सवाल करें। आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया है कि सर फर्नीचर के ऊपर उसको रिफंड क्यों मिलेगा, उसने तो एक्सपोर्ट कर दिया, उसने तो मैन्युफैक्चर नहीं किया। मैंने तो ये बात कभी नहीं कही कि रिफंड सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलता है। मेरे पूरा लेक्चर सुनने, मैंने आज तक नहीं कहा कि जो रिफंड है जीरो रेटेड के अगेंस्ट वो सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलता है। आप ट्रेडर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, दोनों को रिफंड मिलेगा। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप टेबल आपने परचेज किया, टैक्स दे दिया, ठीक है। आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपने टेबल को मैन्युफैक्चर किया, ठीक है, उसके ऊपर आपको रिफंड मिल जाएगा जो जो आपने टैक्स दिया हुआ है। तो अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो फिर रिफंड नहीं मिलेगा, अदरवाइज तो आपका हक है, आपको तो रिफंड मिलेगा। जी ठीक है सर, उम्मीद क्लियर हो समझ आ गया। गई है आपको? हाँ, ये सवालों से ही यस चीज सर, समझ आनी, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ये चीज समझ नहीं आनी। जी, और दूसरा मेरा बेटा कौन था? सर वकील मैं था सर। सर अकील, मेरा क्वेश्चन था क्लियर। कि हमने जो अभी क्वेश्चन किया इसमें जो टी बैग है सेक्शन 3 की आइटम है और जो फर्नीचर है वो नॉर्मल आइटम है सर। सेक्शन टी नहीं बेटा, बैग नहीं 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 सॉरी, थर्ड शेड्यूल की आइटम है। थर्ड यस शेड्यूल की सर, आइटम, इसको रिटेल गुड्स कहते हैं। यस जी, टी बैग रिटेल गुड्स की है, ठीक है। सर इस पे सेक्शन 3 भी अप्लाई होगा, दूसरे फर्नीचर पे नहीं अप्लाई होगा, तो सर जब इसका इनपुट कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? मैंने इसलिए शुरू में कहा कि अभी एक बात सीख लें, मैं 8B को यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा। अगर फर्ज करें अप्लाई भी करना हो, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ अप्लाई करना हो, तो उसका तरीकेकार ये है कि आप इस 1700 को इसके 90% लेंगे, आप इसका नहीं 90% लेंगे, ठीक होगी। दूसरी बात, ये 1700 एज इट इज इधर आएगा, आप जो ये वाला इनपुट है उसका 90% करेंगे, यानी इसके ऊपर तो 90% अप्लाई होना ही नहीं है ना, इसने तो सारे के सारे ने क्लेम करना है आपने इसको। जी, और कोई क्वेश्चन? जी बेटा, कोई और सवाल हेलो, आपका? मेरा क्वेश्चन था कि वो जो आपने कल लेक्चर दिया था 8B वाला सर, उसमें जो विदहोल्डिंग टैक्स की कैलकुलेशन है वो हमारे सिलेबस में तो नहीं है ना सर? नहीं 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 बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने कहा 36 मिनट तक सुनना है उसको। बस बस ठीक है सर, आपने सर वो 36 मिनट तक कह दिया था, इस वजह से ना सर वो आगे वो कैलकुलेशन आने लग गई थी सर। नहीं, 36 के बाद, वो 36 से पहले भी विदहोल्डिंग टैक्स का आ गया था। नहीं नहीं सर, उसके थोड़ा सा वो मतलब परचेज में जब गए थे ना तब आ गया था। नहीं नहीं उसको नहीं करना, आपको विदहोल्डिंग टैक्स आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे टाइम पास करना कोई चाहे चाहे तो वो सुन सकता है कि लोग, वो तो मसला नहीं है, लेकिन ठीक हो गया जी। क्यों मेरे भाई, बात समझ आ गई है? ये इसका वो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई स्टूडेंट कहे तो फिर इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। नोट कर लिया सर। अच्छा माशाल्लाह, क्यों भी आफाक, समझ आ रही है ना मेरे सोने? जी जी सर आ रही है। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे है जी, असल जो चीज मैंने कहा था वो ये आनी है, ये वाली के आप देखिएगा। मैं पहले आपको थोड़ी सी सिचुएशन समझाऊं, इसकी सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो टैक्सेबल हैं, लेकिन इस एक्सपेंसेस से जो आप आगे सेल कर रहे हैं ना, वो सेल एक टैक्सेबल है, उस सेल में एक जीरो रेटेड है और एक एग्जेम्प्ट है उसका हिस्सा।
अच्छा, अब हमारी क्लास जो है ना, आज बुध है तो कल नहीं क्लास होगी, ठीक है? तो हमारी अगले 3 दिन, जुमा, हफ्ता और इतवार, मुसलसल दो दो घंटे की क्लासें होंगी, 3, ठीक है? क्योंकि अब मैंने प्रैक्टिस करवानी है, इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है ना किताब के, उसकी प्रैक्टिस होनी है। सर थोड़ी अच्छा, सी अब क्लास सवाल ये। हाँ कर लिया करें, जी, 8 से पहले, अगर क्लास 8 से पहले खत्म हो जाए तो गुजारा इजी हो जाता है। नहीं, मेरे 8 आगे बेटा, आगे तो 3 छुट्टियां है ना मुझे, जी 14, 15 और 16, 10 की तो मुझे छुट्टी है, जी इसलिए जी मैं ठीक कह रहा हूँ कि वो क्लास मैं नॉर्मली जो है वो जोहर के बाद रखूंगा मैं, है सर, जोहर के बस 8 बाद या सुबह 9 बजे रखूंगा मैं। नहीं, जोर के बाद सर बेस्ट जोहर के बाद सर, कर लें, सुबह 10 क्लास में। बजे कर, 10 बजे बेटा वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैं करूंगा, क्योंकि जोहर के बाद जो है वो जाहिर बात है कि 14 अगस्त है, तो इसलिए मैं कोशिश यही करूंगा कि 14 अगस्त की क्लास जो है 9 बजे के करीब तो हो जानी चाहिए, 9 या 10 बजे के बाद। पर 9 बजे पहले फिर 8 की क्लास शुरू होती है। सर ग्रुप में पूछ ले अगर ज्यादा बच्चे क्या कहते हैं, जोर के बाद या सुबह 9 बजे। सर मेरी मैं अकाउंटिंग इंशाल्लाह, की दो क्लासेस हुआ होती बेटा, मुझे हर एक के दिल की हालत का पता है, इंशाल्लाह सुबह 9 बजे के करीब, 9 से 10 बजे के करीब कर लेंगे इंशाल्लाह क्लास, है ठीक है जी? उठना बहुत मुश्किल हो जाता है सुबह सुबह। अच्छा, क्या बात है। सूरज को मैं कह देता हूँ कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, 11 बजे निकला करें, चल कुछ इससे चले ज्यादा पूछ ले। बीमार हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, नेचर से जब दूर जाओगे बीमार हो जाओगे, मारे जाओगे। जब अल्लाह ताला ने हमारी उम्र जो थी, पहले मेरे परदादा की उम्र अखबार में आई 165 साल थी, इतनी माशा इतनी बड़ी उनकी उम्रें थी, अब हमारी उम्रें क्यों कम हो गई हैं? वो फजर के टाइम उठते थे सुबह, रात को इशा पढ़ के फौरन सो जाते थे, कोई उन्होंने जनाब वो पता नहीं, कोई क्लब नहीं जाते थे, कोई कुछ नहीं करते थे। ये नींद जो है इसका बेड़ा गर्क मत करो। अल्लाह ताला जब सूरज निकाल देते हैं, लाइट ऑन करते हैं, तो कहते चलो भाई मेरे बंदो उठ जाओ, हम अल्लाह से ज्यादा सियाने नहीं है, हम अल्लाह ताला से, हम मखलूक हैं, हम खालक नहीं है, हम मखलूक अपने खालक के ऊपर अपना हुक्म नाफज नहीं कर सकती। लैपटॉप बिल गेट को नहीं कह सकता कि ये काम करो, बिल गेट लैपटॉप को कहेगा कैसे काम करो, ऐसा है कि नहीं? है सर, क्या तो हम खालक की जो है ना वो तखलीक के अंदर पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीमार हो जाओगे, ओके सर, कैंसर, कैंसर की सबसे बड़ी वजह इस वक्त दुनिया में जो रिसर्च रिसर्च कर रही है वो यही है कि लोग लेट सोना शुरू कर दिए, सुबह लेट उठ रहे हैं, ये सबसे बड़ी कैंसर की उन्होंने रीजन बताई है। सिगरेट वगैरह पीछे चले गए हैं। अच्छा जी, अब हम कहते हैं जी एक्सपेंसेस, इशू ये है कि टैक्सेबल के अंदर जो मॉडल चलता है वो चलता है आउटपुट माइनस इनपुट, जीरो रेटरी के अगेंस्ट हमें रिफंड मिलता है और एग्जेम्प्ट के अगेंस्ट हमें खत्म हो जाता है। अब अगर आपके एक्सपेंस कॉमन है, आपको पता नहीं कि कितनी सेल कहाँ पे हुई, देखें अगर तो पता है कि आपने एक्सपेंस किए फॉर एग्जांपल 100 के, और आपको पता है कि इसके अंदर मैंने 30% जो है वो लोकल सेल की है, 50% मैंने एक्सपोर्ट कर दी और 20% की मैंने एग्जेम्प्ट गुड्स बना दी, तो फिर तो ठीक है। आप 30% का इनपुट माइनस कर लें, 50% का इनपुट जो है वो आप रिफंड ले लें और 20% आपका जाया हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको नहीं पता इस चीज का, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको इस चीज का नहीं पता, आपकी फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री के अंदर आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, बिजली का बिल आपको आ रहा है, चीजें बन रही हैं, और चीजें बन बन के सेल, लोकल सेल भी हो रही है, चीजें एक्सपोर्ट भी हो रही हैं, और उसी से एग्जेम्प्ट गुड्स भी बन रही हैं, उस केस में लॉ हमें एक ऑप्शन देता है, वो कहता है कि भाईजान आप एक काम करें कि आप इन एक्सपेंसेस को सेल की बेसिस के ऊपर अपोर्शन कर लें, इसकी बेस के ऊपर, अपनी सेल की बेस के ऊपर अपोर्शन कर लें। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, जिनका हमें पता नहीं होता, जो डिफरेंट एक्टिविटीज, जिसको कहते हैं डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज बनती हैं, इन एक्सपेंसेस को हम एक वर्ड यूज करते हैं, रेजिडुअल इनपुट टैक्स, रेजिडुअल इनपुट टैक्स। रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यू फोक को कहते हैं, जो चीज बच जाती है, जिसका पता नहीं होता।
रेसिड्यू नहीं बोलते, जब आप जूस पी लेते हैं किन्नू का या कोई और, तो उसका जो फोक, उसको रेजिड्यू बोलते हैं। ये चीज बच गई है, ठीक है। इसके लिए एग्जामिनर जो है वो कॉमन इनपुट टैक्स का वर्ड भी यूज करता है, कॉमन इनपुट टैक्स, ठीक है। उसका ये सवाल उससे रिलेटेड है जो हमारा एक अब मुसलसल टॉपिक चलेगा। आप जितने तकरीबन आपको 99% क्वेश्चन के अंदर ये वाला इशू मिलेगा। अब देखते हैं जरा इसको कि कैसे लेकर चलना है। इसके स्टेप हैं, स्टेप नंबर वन देखिएगा। स्टेप नंबर वन क्या है? आप पहले वर्किंग करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रेजिजुअल इनपुट टैक्स। स्टेप नंबर टू में आप करेंगे, सर एक मिनट बता दीजिए कि रेसिडुअल इनपुट टैक्स, सर एक मिनट थोड़ा बता दीजिए क्या होता है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगा। आगे स्टेप नंबर टू है अपोर्शनमेंट ऑफ रेसिडुअल इनपुट टैक्स। ये कैसे करेंगे ये जरा सुन लें। इसके अंदर आप ये करेंगे कि यहां लिखेंगे आप सप्लाई यानी सेल, लिखेंगे टैक्सेबल जीरो रेटेड एग्जेम्प्ट, और यहां इनकी वैल्यूज लिखेंगे, ठीक। इसको राउंड कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू है जी 1000, इसकी वैल्यू है 500, और इसकी वैल्यू कितनी है 500। तो टोटल आपने सेल कितनी की 2000 की, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ आपने जो स्टेप वन के अंदर कॉमन इनपुट टैक्स कैलकुलेट किया होगा ना, वो लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि वो आपका इनपुट टैक्स जो है वो है 500 का, तो इसको कैसे आप डिवाइड करेंगे? टैक्सेबल में आप लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 2000, इसका लिखेंगे 500 डिवाइडेड बाय 2000, और अगले का भी, यानी इसको वेट कहते हैं, वेट देना। यानी 2000 में इसका वेट कितना था 1000, इसका वेट कितना था 500, इसका वेट कितना था 500, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 के साथ, इन सब को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगला सवाल, सर क्या ये वर्किंग एग्जाम में शो करनी है? द आंसर इज नो, एग्जामिनर शो नहीं कर रहा, तो यहाँ आप वर्किंग शो करने की कोई जरूरत नहीं है आपकी, ठीक हो गया जी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ये 0 कट के 4, ठीक है। बताइएगा क्या आंसर आ रहा है इसका? 250 आ जाएगा, 250 इसका आ गया, 125 इसका आ गया, 125 इस तरह आ गया। तो 500 में आप कहेंगे कि 250 का मैं आउटपुट में से माइनस करूंगा, 125 को मैं क्या करूंगा, ये मुझे इसका रिफंड मिलेगा और ये मेरा जाया हो जाएगा। आखिरी स्टेप इसमें क्या होगा? अच्छा, एक चीज इसमें और नोट कर लें, अगर क्वेश्चन में फिक्स एसेट भी हो, मशीनरी वगैरह फिक्स एसेट भी हो, तो उसका भी एक कॉलम यहाँ अलग से बनेगा, उसको इसमें आप ऐड नहीं करेंगे। यानी आपने अगर एक प्लांट परचेज किया है और प्लांट का भी कोई आपने टैक्स दिया हुआ है, तो उसी को भी इसी तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। मसलन फर्ज करें आपने प्लांट परचेज किया और उसका आपने 300 रुपया टैक्स दिया हुआ है, तो उसको भी ऐसे ही आप इन तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये क्यों करेंगे ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब आ जाए इसका आखिरी स्टेप। असल क्वेश्चन ये है, आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। और आप इसमें पहले लिखेंगे आउटपुट टैक्स। ये जो सप्लाई है ना, ये वाली, ये एज इट आपने यहां लिख देनी है। आप लिखेंगे सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स,
ठीक है, 1000 एक्सपोर्ट, 500 और सेल ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स अज्यूम कर रहा हूँ फिगर है, तो इसका आप 17% लेंगे, इसका आप 0% लेंगे और इसको डैश कर देंगे, ये आपके पास 170 और बाकी दोनों का खत्म ये आ जाएगा, ठीक है। कहाँ चलेगी भाई, ये आ गया। इसमें से अगर आपकी सेल रिटर्न होगी आप यहां करेंगे लेस सेल्स रिटर्न, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते हो ना, आप यहां से उसको माइनस कर लेंगे, ये आपका आउटपुट आ गया। और फिर आप इसमें से लेस करोगे इनपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट टैक्स में आप क्या करेंगे, वो जो ऊपर आपने पोर्शन किया था ना, आप लिखेंगे रेजिडुअल इनपुट टैक्स, यहां वर्किंग का रेफरेंस देंगे, वर्किंग नंबर 2, वो कितना था 250। और अगर क्वेश्चन में कोई ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है तो लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स, फॉर एग्जांपल वो 50 है, ठीक है। और फिर इसमें आप ऐड करेंगे अदर इनपुट टैक्स, फर्ज करें वो 25, तो ये आपका कितना हो गया 325, और लिखेंगे और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, जो भी आपका 90% का आएगा वो आप यहां लिखेंगे, ठीक है। ये आपका इसमें से माइनस होगा, ये इसको जरा इसकी पिक्चर ले लें आप, आपने तीन स्टेप याद रखने हैं, कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडुअल, कंप्यूटेशन ऑफ कॉमन इनपुट टैक्स या रेजिडुअल इनपुट टैक्स, अपोर्शनमेंट ऑफ रेजिडुअल इनपुट टैक्स और कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। इसमें आप करेंगे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये वाली गेम चलेगी, और क्वेश्चन के एंड पे लिखेंगे सेल्स टैक्स रिफंडेबल, वो भी आपका ये जो अमाउंट है ये वाली, या आप यहाँ पर रेफरेंस देंगे वर्किंग टू का, और इसको 125 यहाँ लिख के डबल लाइन से क्लोज कर दें। जी सर, ये अदर इनपुट टैक्स क्या चीज है? और सर वो आपने पर से मुराद ये है कि कोई ऐसी चीज भी यूज हो सकती है जो कॉमन ना हो। आप ये देखें, मैं आपको इसकी जो एग्जांपल थी वो किधर गई, ये वाली, ये हो सकता है कि आपने ये वाली जो सेल की है इसके अंदर आपने कोई डायरेक्ट यहाँ पर कोई और चीज भी यूज की हो, ऐसे हो सकता है ना कि आपने जो सेल की है इसके अंदर कोई खास एलिमेंट यूज किया जो कॉमन नहीं है, तो उसको हम अलग से लेकर चलेंगे। जी आप कुछ पूछे सर, मैं कह रहा था कि फर्दर टैक्स वाला स्टेप मिस नहीं हो गया सर, एंड पे फर्दर टैक्स भी ऐड करते हैं। हाँ, अभी मैंने फर्दर टैक्स नहीं लिया, अगर आप अनरजिस्टर्ड को, वो उसमें लेक्चर में था, मेरे लेक्चर में फर्दर टैक्स का इशू जी सर, वो आपने समझा दिया था अनरजिस्टर्ड वाले। तो आपने जो अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे उसका फर्दर टैक्स भी कर ले। चलें इसको याद कर लें, उसका पिन चार्ज आपने ये कहा था कि थर्ड शेड्यूल होगा तो फर्दर टैक्स ऐड नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल, फर्दर टैक्स अगर आप अनरजिस्टर्ड को करेंगे तो उस पे फर्दर टैक्स भी नहीं लगेगा, 90% की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगेगी, ये दोनों चीजें उसमें है, ठीक है जी। अभी तो बेस है ना, जो जो अब क्वेश्चन डेवलप होते जाएंगे इंशाल्लाह ताला हमारा वो डेटा बैंक बढ़ता जाएगा। अब देखिएगा जरा ये क्वेश्चन, मिस्टर अमीर हैज परचेज पेपर वर्थ ₹150, 1.5 लाख रुपए का पेपर, बताएं ये इनपुट है या आउटपुट है? सिर्फ मेरा ये सवाल है, बाकी चीजें छोड़ दें।
इनपुट है सर, इनपुट है, परचेज एक्सपेंस है ना, तो ये मेरा क्या है, इनपुट टैक्स। ठीक है, ही सोल्ड पेपर इन द लोकल मार्केट एट रुपीज 150। ये क्या है आपकी, ये आउटपुट होगी, शाबाश आउटपुट हो गए। सम ऑफ द पेपर वाज एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट कर दिया, ये क्या है, आउटपुट सर, आउटपुट। लेकिन सिक्स शेड्यूल की है, एक्सपोर्ट हो गया। एंड सम पेपर वाज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुक्स विच वर सोल्ड इन द लोकल मार्केट, वो है 75,000। ये क्या हो गई है आपकी, फुट बुक्स। सिक्स, ही आल्सो पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 15,000, और 15,000 रुपए का उसने बिजली का बिल भी दिया हुआ। जी बुक्स तो सर एग्जेम्प्ट नहीं सर, ये फिफ्थ शेड्यूल में नहीं आएंगी। हाँ तो मैंने यही लिखा हुआ, सिक्स शेड्यूल लिखा हुआ, ये देखिए। ठीक है, तो आपने इस सवाल में क्या किया, पेपर परचेज किया, तो पेपर परचेज करने के बाद आपने उसे लोकल सेल भी की, आपने एक्सपोर्ट भी की, और आपने क्या किया, एग्जेम्प्ट गुड्स भी बना के सेल करके। मुझे एक चीज बताएं, क्या ये इस क्वेश्चन में बताया गया कि किन किन एक्टिविटीज में ये पेपर कितना इस्तेमाल हुआ? नो सर। और बिजली का? सर जी, इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं बताया गया, ना पेपर का बताया गया, ना आपको इसका भी नहीं बता। अब ये बात, इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों जो एक्सपेंसेस हैं हमें इसका कुछ नहीं पता, एग्जामिनर खामोश है। जब एग्जामिनर खामोश है, इसका मतलब ये है कि इनका जो टैक्स होगा उसको हम रेजिडुअल इनपुट टैक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रेजिडुअल इनपुट टैक्स। तो ये सबसे बड़ी क्वेश्चन की निशानी होती है, कहते हैं ना कि यार इसकी क्या निशानी है, कैसे मुझे पता चलेगा। एक नबी थे ना, पुराने पाक में आता है, उनका गालबन हजरत ज़करिया अलैहि सलाम थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा ना कि या अल्लाह, हजरत मरियम को तुमने बेमौसम में फल दिए हैं, मैं भी औलाद चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम होगा यहिया, कुरान पाक में आता है। तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह ये कैसे मुमकिन है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और औरत मेरी बांझ है, तो मेरे यहाँ कैसे औलाद पैदा होगी। तो अल्लाह ताला ने कहा भी मैं खुदा हूँ, जब मैं किसी हजरत आदम अलैहि सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता हूँ, तो मेरे लिए तो ये कोई मसला नहीं है। फिर हजरत ज़करिया अलैहि सलाम ने कहा कि या अल्लाह कोई निशानी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम 3 दिन तक लोगों से बात नहीं कर सकोगे माँ सवाए मेरे जिक्र के, सिर्फ मेरा जिक्र कर सकोगे। मेरे उस्ताद थे तो उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी रीजन बताई, उन्होंने कहा ये अल्लाह ताला ने कोई और भी निशानी बता सकते थे कि सूरज को ग्रहण लग जाएगा भाई, एक धमाका होगा, कोई और निशानी। ये अल्लाह ताला ने क्या कहा उन्हें कि भी तुम्हारी जो जुबान है वो बंद लोगों से बात नहीं करेगी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कंक्लूड किया, उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने यहाँ कहने का मकसद ये था कि देखो जो ताकत तुम्हारे जिस्म में मौजूद थी मैंने उसको सलब कर लिया, और जो तुम्हारे जिस्म में ताकत मौजूद नहीं थी वो मैंने पैदा कर दी, मैं रब हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यानी कुरान पाक से क्या क्या चीजें हमें समझ आती हैं, कितनी जबरदस्त, यानी अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं। जब हम ईमान रखेंगे, सही काम करेंगे, तो अल्लाह ताला फिर हमारी हर तरह से मदद करेंगे, यकीन होने की बात है। तो बात हो रही थी निशाने की, कि ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो सवाल मुझे मिला है, इस सवाल के अंदर कॉमन इनपुट टैक्स मौजूद है या नहीं है। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपको एक्सपेंसेस बताए जाएं
उसके साथ जो आपको सेल बताई जाए, वो सेल जो है वो डिफरेंट कैटेगरी की हो, इसको कहते हैं डाइवर्सिफाइड सेल। डाइवर्सिफाइड कोई एक तरह की सेल नहीं बल्कि डिफरेंट तरह की सेल है, और एक्सपेंसेस का एग्जामिनर कुछ नहीं बता रहा, तो फिर हमें उस एक्सपेंसेस के टैक्स को अपोर्शन करना पड़ेगा, उन्हीं 3 स्टेप्स के अंदर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलें जी अब सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहा हमने, कंप्यूटेशन ऑफ कॉमन इनपुट टैक्स। अब लिखेंगे वर्किंग। अब सवाल ये है कि क्या मुझे डायरेक्ट सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करें, तो मैं तो वर्किंग से स्टार्ट हो गया हूँ। नहीं गलत आपकी आवाज एग्जामिनर का जो सॉल्यूशन है वो तो नॉर्मली वर्किंग से स्टार्ट नहीं होता, क्या मुझे सॉल्यूशन ही पहले करना चाहिए यानी स्टेप नंबर 3 करना चाहिए? आपकी मर्जी है, जो चाहे 2 कर, लेकिन उसका फिर 3 का ये है कि अगर आप स्टेप 3 पहले करना चाहते हैं तो जगह छोड़ दें और वर्किंग 1 और 2 नीचे ले जाएं। ठीक है, जैसे आपको आसानी लगे आप कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्किंग 1 में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडुअल टैक्स या कॉमन टैक्स, वो क्या था, परचेज ऑफ पेपर ₹150 इंटू 17%, कितना आ गया जी, 25,500 रुपया। वर्किंग 2 आ गई हमारे पास, अपोर्शनमेंट ऑफ पहला कॉलम सप्लाई, दूसरा कॉलम उसकी वैल्यू, और तीसरा कॉलम इनपुट टैक्स, कौन सा, ये वाला। चलें जी अब लिखते हैं जरा इसको। पहले क्या जी, लोकल सप्लाई टैक्सेबल गुड्स, कितने की सप्लाई है अरहम? चलो इतनी देर में तो मैंने जो है ना वो वैसे खुद ही देख लेना था जी। 1 लाख की, 75,000 की, 50 लाख और 75, और हमने पेपर को नेट का इशू आ, 1 लाख, और हमने एग्जेम्प्ट गुड्स बना दी, तो ये हो गया हमारा 2,25,000। और कॉमन इनपुट टैक्स कितना आया हमारे पास, 25,500 रुपया। यहाँ आपने रेफरेंस देना है कि ये अमाउंट कहाँ से आई, वर्किंग 1 से। ये यानी आपने इसका रेफरेंस दिया कि ये अमाउंट यहाँ से आई। अब इसकी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अच्छा, अब टाइम सेव करने के लिए आप कैलकुलेटर पे ये 0 खत्म कर सकते हैं, कॉमन है ना ये, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 50 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 25,500, 100 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 25,500, 75,000, 2,25,000 इंटू, जैसे आपका दिल करता है, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, इसमें कोई कोई टेक्निकल इशू नहीं है। वो सर पहले 5,666, 5,666, दूसरा सर 11,333, 11,333, और 8,500,
8000 टोटल करने ही हो रहा है। सर बन रहा है 25500 ही है सर। बिल्कुल ठीक। चलें जी आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको वर्किंग नहीं लिखना ये, क्योंकि उसने ये रिक्वायरमेंट है उसकी, जिसको हम एज इट इज ही लिखेंगे। अब लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ, ऊपर नाम वगैरह लिखेंगे जो भी है, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। उसमें क्या है, आउटपुट टैक्स और लेस इनपुट टैक्स, तो आएगी लोकल सप्लाई फिफ्टी थाउजेंड इंटू 70% एक्सपोर्ट 100 इंटू 0% सेम सप्लाई 75,000। तो ये आ जाएगा आपके पास 8,500, 8,500। और यहां लिखेंगे लेस रेजिडुअल इनपुट टैक्स वर्किंग टू, रेफरेंस देना है। कितना आ गई, 5,667, 5,667 और 90% ऑफ 8,500। तो 7,650। जी शुएब आप बताओ यहां पर 8B लग रहा है या नहीं लग रहा। Hey Siri, it's the middle. सर लग रहा है। क्यों भी अकील? सेक्शन 8B एप्लीकेबल है या नहीं? नहीं लग रहा सर। नहीं लग रहा सर। नहीं लग रहा। आप ये वाली अमाउंट विच ये लेके आ रहे हैं ना? यानी विच एवरेज लोअर ये है ना? ये उस वक्त लगेगा जब ये वाली अमाउंट आएगी। ये तो अमाउंट हम कैलकुलेटिंग ले ही नहीं रहे। यहां कहेंगे कि 8B की एप्लीकेशन नहीं हो रही, माइनस कीजिएगा 8,500 माइनस 5,667। और टैक्स रिफंडेबल वर्किंग टू में 11,333। ये एक बेसिक ढांचा जो है मैंने आपको तैयार करवाया है, बिल्कुल एक बेसिक जो क्वेश्चन है उसका ढांचा आपके सामने आ गया सर। सर ये जरा बताइएगा कि यहाँ पे सेक्शन 8B क्यों नहीं यूज होगा। बेटा 8B कौन सा सेक्शन है? ये है 8B, इसको कहते हैं ना 8B। ये अमाउंट ले रहा हूँ मैं कौन सी अमाउंट क्लेम कर रहा हूँ? ये वाली कर रहा हूँ, दिस वन। जब मैं ये करूंगा तो एप्लीकेबल होगा। इन दोनों में से लोअर लेनी है ना आपने अमाउंट। हाँ तो जब ये अमाउंट लेंगे आप एग्जाम में तो आप कहेंगे सेक्शन 8B लग गया। जैसे ये अमाउंट लेंगे तो फिर याद रखें आपने यहाँ नीचे कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट यहाँ लाजमी लिखनी है। अगर आप पूरा इनपुट क्लेम नहीं कर रहे यहाँ, फिर आप कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट लाजमी कुछ ना कुछ लिखेंगे। अगर फर्ज करें कि आपका 90%, फॉर एग्जाम्पल 5000 है, ये 90% जो है, तो आप कितना क्लेम किया आपने 5000, तो 5000 और 5666 का ये
कैरी फॉरवर्ड होगा, इसको फिर लाजमी आप लिखेंगे जी। एक्सक्यूज मी सर, सर जी सर, ये जो टैक्स रिफंडेबल है और टैक्स लायबिलिटी है, इसको नेट ऑफ करके डिपार्टमेंट हमें रिफंड करेगा या इस सेपरेट इसका ट्रीटमेंट? मैंने अभी 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 मैंने इसी बात का आपको रिप्लाई किया, नहीं कहे मैंने अभी पूरी जो स्टोरी सुनाई थी, मेरा ख्याल शायद आपके नेट का कोई इशू होगा, मैंने ये पूरी कहानी सुनाई कि इसको नेट ऑफ नहीं करेगा, ये हम जब रिटर्न फाइल करेंगे उस वक्त पे करेंगे, और ये डिपार्टमेंट रिटर्न फाइल करने के 45 दिनों के अंदर अंदर हमें ये फाइल वापस करेगा। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि आपने डिपार्टमेंट का कोई पैसा देना है इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, तो डिपार्टमेंट इसमें से माइनस कर सकता है, यानी आपने इनकम टैक्स का कोई पैसा देना डिपार्टमेंट का 333 रुपए देने हैं, तो डिपार्टमेंट फिर आपको 11,000 रुपए वापस नहीं करेगा, वो कहेगा भाईजान मैंने आपसे कुछ पैसे लेने हैं, ये लो अपना 11,333 रुपए मैंने अपने रख लिए, यानी आप नहीं एडजस्ट कर सकते, डिपार्टमेंट एडजस्ट कर सकता है। आप कहेंगे सर मैं एडजस्ट कर लूँ, वो कहता जी नहीं मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, जो आपने डिपार्टमेंट के पैसे देने हैं डिपार्टमेंट कहता मैं ले लूंगा, यानी दोनों जगहों पर उसका हाथ जो है वो ऊपर है। सर जी, सर ये इसमें हमने लेकिन 90% से इसको कंपेयर तो किया ना अमाउंट, तो क्योंकि लोअर थी इसलिए हमने 90% वाली नहीं ली बेटा, कंपेयर किया लेकिन उसकी एप्लीकेशन तो नहीं हो रही ना, कंपेयर करना डजंट मीन कि उसकी एप्लीकेशन हो गई है। जी जी सर, मैं बस ये सर मेरे कुछ क्वेश्चन अमाउंट को, जी जी पूछें यहाँ पर सोने आना था, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने लिया ही नहीं है, आपकी लोड शेडिंग तो नहीं होती अकील इधर? सर आज पहले दिन हुई है, आज हुई है लोड शेडिंग इसलिए इसको याद रह गया, बस इसी वजह से मैंने कहा पूरी क्लास जो है वो सुम बुक मुम यून कौम ला यरजीउन खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम, सबके दिलों पे मोर लगी है, अकील को याद रहा और वापडा ने याद करवाया, इसका सोने आना था, आप सही कह रहे हैं, इसका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसको आप जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा सही करके, 25.50 2 50 28,050 हो जाएगा सर, तो हो जाएगा 28,050, बस ये अमाउंट चेंज करके ना इधर यही अमाउंट लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली बाकी क्वेश्चन भी देखें, इसमें यही अमाउंट हमारी वर्किंग में जानी आगे, इसको हमने रिफंड क्लेम करना है और ये खत्म हो जाएगी, बस ये ज़हन में रखना है आपने कि जो पहली फिगर होगी वो मेरे क्वेश्चन का हिस्सा बन जाएगी इसका, ये मेरे बॉटम पे चली जाएगी, मैं इसको रिफंड में लिख दूंगा और ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक हो गया जी सर? ये इनपुट रेजिडुअल टैक्स का भी नहीं पता चला सर, हमने कहा था कि जब क्वेश्चन करूंगा तो पता चल जाएगा सर, वो पहले नहीं थी समझ आई। बेटा ये रेजिडुअल से मुराद ये है कि कागज और बिजली जो है वो दोनों इस्तेमाल हुई हैं इन तीन जगहों पर, तो हमें ये नहीं पता था कि कितना पेपर इन तीनों में इस्तेमाल हुआ, तो ऐसा एक्सपेंस जो किसी एक्टिविटी में यूज हो और वो एक्टिविटी एक से उसका जो बिहेवियर है एक्टिविटी का वो एक से ज्यादा तरह का है, जैसे ये है, अभी भी समझ नहीं आई सर, मतलब जब कॉमन होगा तो तब हम ये कैलकुलेट करेंगे, कॉमन को ही रेजिडुअल कहते हैं, आप परेशान ना हो, आप इसके ऊपर बेटा रेजिडुअल का लफ्ज अगर आपको तंग कर रहा है ना तो आप कभी भी ना लिखा करें, आप लिखा करें कॉमन इनपुट, कॉमन इनपुट टैक्स, जिस लफ्ज से आप कंफर्टेबल हैं वो लिख लिया करें, ठीक है ना?
मेरा नाम है इमरान शहजाद, मेरा दादा जान मुझे बुलाते थे, वो गांव के थे ना, वो इमरान, तो मैं उनको क्या कहूँ कि इमरान शहजाद मुझे कहा करें, वो कंफर्टेबल थे ना उसी के साथ। तो अगर आप रेजिडुअल के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो आप कॉमन इनपुट टैक्स लिख लें, कोई मसला नहीं है। जी अकील सर, क्वेश्चन में जब भी एक्सपोर्ट आएगा तो वो अंडरस्टूड है कि वो रिफंडेबल होगा, तो हम उसको बस नीचे लास्ट में जाकर रिफंडेबल लिख देंगे। बेटा नहीं, मैंने अभी जितने सवाल करवाए हैं ना, मैंने इसलिए करवाए हैं कि अगर आपने रिफंड तब होगा अगर आपने टैक्स दिया हुआ है। अगर आपने किसी चीज को एक्सपोर्ट कर दिया जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया हुआ तो उसका तो रिफंड नहीं आएगा ना। कल जो प्रैक्टिस करवाई थी इससे आप कंक्लूड ना करें, अगर आपने किसी चीज पे टैक्स नहीं दिया तो आप उसको माइनस कैसे कर सकते हैं? जब भी आपकी जीरो रेटिंग चीजें आएंगी तो उसका रिफंड नीचे आएगा, अगर कुछ नहीं पता तो। जी सर, हमने सवाल किया है कि ये कैसे पता चलेगा किसका टैक्स दिया हुआ या नहीं दिया हुआ। देखें, सिक्स शेड्यूल की जो आइटम है ना, जो एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, वो आपको खुद से देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीजें पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट हैं। अगर वो चीज आपने परचेज करके सेल कर दी तो जाहिर एक्सपोर्ट कर दी तो फिर इसका मतलब उसको तो टैक्स नहीं मिलेगा आपको, रिफंड नहीं मिलेगा फिर आपने। हाँ भाई, रिफंड आपने दिया ही नहीं है, रिफंड किस चीज का मांग रहे हैं? ये तो धोखा और फ्रॉड होगा ना भाई, आपने पैसा किसी को दिया ही नहीं है, आपने किताबें खरीदी टैक्स नहीं दिया और डिपार्टमेंट कहते हैं इसका टैक्स वापस करो, तो वो छितर उतार लेगा ना, वो कहेगा इसको मारो छितर, इसको पकड़ के पागल को, पैसे दिए हैं तो लेगा। इसी तरह अगर आपने कुछ जीरो रेटेड गुड्स खरीदी है फिफ्थ शेड्यूल की, उस पर भी आपने टैक्स नहीं दिया, अगर इन चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे तो भाई इसके ऊपर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी चीजें होंगी वो थर्ड शेड्यूल की आइटम हो, वो नॉर्मल गुड्स हो, वो रिड्यूस गुड्स आइटम्स हो, वो जो भी होंगी अगर एक्सपोर्ट करेंगे उसका टैक्स क्योंकि आपने दिया हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। जी और कोई सवाल? वह ऐसा टैक्स सर, ऐसा कोई टैक्स है जो हमने दिया हो लेकिन फिर भी रिफंडेबल ना हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे होता है। अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं और आपने जनाब वो टैक्स जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते, फिर आपने टैक्स दिया हो या ना दिया हो। दूसरा, एक ऐसा टैक्स भी होता है कि आपने टैक्स चोरी करने के लिए रिफंड क्लेम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाकिस्तान में जूते बनाए, ठीक है, उसके लेदर के ऊपर आपने टैक्स जमा करवा दिया, उसकी पॉलिश के ऊपर आपने टैक्स जमा करवा दिया, पेंट के ऊपर टैक्स जमा करवा दिया, बिजली के बिल के ऊपर टैक्स दे दिया, सारा जूता जो था आपने 5 कंटेनर बनाए और दुबई एक्सपोर्ट कर दिए, कहा जी मैं ये ABC कंपनी को ये बेच रहा हूँ, चला गया माल बाहर दुबई में। आपने क्या किया, दुबई में जाके उसकी पैकिंग चेंज की और वहां से इम्पोर्ट कर लिए, ठीक है, सारा जितना टैक्स आपने उन शूज के ऊपर जमा करवाया था सारा गवर्नमेंट से रिफंड ले लिया और वो जूते फिर वापस मंगवा लिए और पाकिस्तान में लाके सेल कर दिए। इसमें आपने देखा कि भी मेरा जो रिफंड हो रहा है वो 25 करोड़ का है और ये माल कंटेनर में डाल के वापस बुलाने के ऊपर जो मेरा खर्चा आ रहा है वो सिर्फ 5 करोड़ रुपया है, तो 25 करोड़ का आपको फर्क पड़ गया ना, तो आपने कहा ठीक है ऐसे ही कर लो, तो लाके दोबारा पाकिस्तान में सेल कर दिया, तो अगर डिपार्टमेंट को पता चल जाए तो वो भी वापस, वो भी जो है वो उसका भी रिफंड नहीं होगा। फिर किसी ऐसे मुल्क को आप कर दें जिसको गवर्नमेंट ने मना किया हुआ, जैसे इजराइल है, उनके साथ हमारी कोई ट्रीटी नहीं है, उन्होंने कहा जी आपने इसको नहीं सेल करना, आपने उधर सेल कर दिया, ठीक है। इसी तरह उन्होंने अफगानिस्तान को लैंड रूट से मना किया हुआ, आपने वहां से कर दिया, ईरान को कर दिया लैंड रूट से, वो कहते हैं इसको अगर आपने इन इन दो मुल्कों में करना है तो जहाज के जरिए करो, लैंड के थ्रू नहीं कर सकते। क्यों क्यों ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कि लोग करते क्या है कि ये माल इधर से ले, अब तो बड़ी सख्ती हो गई है, पहले माल लेकर जाते थे
बॉर्डर पे जाके दिखाते थे, वो जो कोई पहाड़ है उधर कोई बड़ा सा, उसके गिर्द घुमाते थे और दोबारा दूसरे रास्ते से उसको पाकिस्तान में ला के भेज देते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा जी आप इसको बाय एयर करें इसको, या उसका एक तरीकेकार उन्होंने वजह किया हुआ इसका जी। वैसे तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं अगर पाकिस्तान में पैसा ना लेकर आए एक्सपोर्ट का, तो उनके खिलाफ केस हो जाता है, उन्होंने पाकिस्तान में पैसा वापस लेकर आना होता है जी। और कोई क्वेश्चन? ये जो आज मैंने चीज करवाई है ना आपको अपोर्शनमेंट की, ये आपने क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से करना है, और इसके साथ आज आपके पास कल जुमेरात है, जुमेरात का दिन भी आपके पास है, यही क्वेश्चन आपने दोबारा करने और सोचने हैं। और आपकी किताब के अंदर सेल्स टैक्स के अंदर जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल की आइटम्स है ना, और जीरो रेटेड की, ये तीन शेड्यूल्स को आपने तसल्ली से पढ़ना है खुद बड़े अच्छे तरीके से। अब आपने साथ साथ किताब को लेकर चलना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, मैं आपकी किताब से आपको शुरू करवा दूंगा, ठीक है जी। सर कल क्योंकि आप रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजेंगे ना, कल फ्री है दिन, कल हम इसकी प्रैक्टिस करें बस आराम से बैठ के जी। नहीं मैं आपको देखूंगा, मेरा ख्याल है कि एक और आगे है चीज, तो आप अपनी इसकी प्रैक्टिस करें, लेकिन उसके साथ उसको सुन लीजिएगा ताकि बाकी जो चीजें हों वो कर लें। उस रिकॉर्डिंग में आपको जो क्या मिलेगा, वो आधे घंटे की एक रिकॉर्डिंग होगी, उसमें क्या इतना आपका टाइम लगना है। ये सारा काम तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो आपकी वो बेस थी सारी, ठीक है जी। चलिए ठीक है सर। हाँ तो ये 11 क्वेश्चन जो है आपने मेरा बेटा, ये आप समझ लें कि बेस है आपकी, ये आपने करना, ठीक है जी।